अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? मैं YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे हैं आना नूरी और काजबेगी। काजबेगी की ड्राइव जो है वो तबलीसी से तकरीबन 3.5 घंटे की है। पहले हम आना नूरी जाएंगे, फिर हम काजबेगी जाएंगे। हम सर्दियों में गए थे गौदौरी। गौदौरी जो है ना वो काजबेगी से पहले आता है। बहुत स्नोफॉल थी तब, तो अभी तो स्नोफॉल यहाँ शुरू नहीं हुई लेकिन सर्दी अच्छी खासी है। तो आज आप हमारे साथ साथ रहिए और देखिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। ये रास्ते में ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी है, इतनी हसीन जगह। ये पानी जो है लेक इतनी खूबसूरत है, कहीं बिल्कुल सी ग्रीन कलर की है, कहीं स्काई ब्लू कलर की है, 2-3 कलर हैं इसके। और ये देखिए ऊपर पहाड़ों में से कैसे बादल उठ रहे हैं, धुआं बन रहा है, बादल उठ रहे हैं। बहुत ही हसीन नज़ारा है यहाँ पे। भूख लग गई है बेटी, आज ये वाले लेके आई है अपने लिए वेफर्स और ये उसके लिए चिप्स है। और मैं तो खाऊंगी अपने वही बिस्किट। हम आना नूरी पहुंच चुके हैं। काफी ज्यादा टूरिस्ट इधर आए हुए हैं। ये चर्च है यहाँ पे और ये देखें पहाड़ों में से बादल उठते हुए कितने हसीन लग रहे हैं। ये सारा चर्च है अंदर से।
होता है ना। यहाँ हम अनानूरी से आगे जाते हुए गौदौरी की तरफ जा रहे हैं, तो एक हलाल रेस्टोरेंट है। उन्होंने ये देखें, ये बकरे इधर बांधे हुए, और ये हमारे सामने ही वो ज़िबा करेंगे अगर हमें खाने हुए, और साथ ही वो बारबेक्यू बना लेते हैं। लेकिन हम तो दो लोग हैं, इस वजह से हम लोग तो नहीं खाएंगे यहाँ से। ये रेस्टोरेंट है इधर, बड़ी ही खूबसूरत जगह। बिल्कुल जैसे कागान नारान जाते हुए दरिया आते हैं, सेम सेम वही व्यूज हैं इधर भी। ये देखें, ये दरिया है, ये पहाड़ सारे, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज हम कागान नारान घूम रहे हैं। जब मेरे बेटे की शादी हुई थी 2015 में, तब लास्ट टाइम हम गए थे कागान नारान। उसके बाद हम नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान जा ही नहीं सके।
बहुत ही हसीन जगह ये, बहुत ही खूबसूरत जगह। लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ मार्च के महीने में, तो नहीं हम यहाँ रुके, सीधे गौदोरी चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी इधर। मौसम भी आज बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि इतनी शदीद सर्दी भी नहीं है कि बर्दाश्त ही ना हो। हम लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन बर्दाश्त वाली सर्दी है। जब हम मार्च में आए थे तब तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तब तो ये बिल्कुल वाइट वाइट हर जगह नज़र आता था, हर जगह स्नो स्नो थी, इसलिए ये सब जगह बंद थी क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल में कोई भी नहीं इस साइड पर आता। इन जगहों पे तो स्नोफॉल शुरू हो जाती है नवंबर दिसंबर में, लेकिन तबलीसी वगैरह में इतनी जल्दी स्नोफॉल नहीं होती। मुझे तो जॉर्जिया की ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और एक ख्वाब देखती हूँ मैं कि काश मेरा घर होता ऐसी जगह पे, और बहुत ही पीसफुल कंट्री भी है ये, लेकिन बच्चों के बगैर रहना भी मुश्किल है। अकेले तो जाहिर है परमानेंटली हम यहाँ रह सकते। इस कदर खूबसूरत नज़ारा है इधर, बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ों से उठते हुए बादल बहुत हसीन लग रहे हैं, नीचे सारा दरिया है।
व्यूअर्स, हम काजबेगी पहुंच गए हैं, लेकिन इतनी शदीद बारिश है, इतनी तेज़ बारिश है कि हम एक जगह रास्ते में भी रुके हैं गवदोरी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश है, इस वजह से हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सके। और अभी हम यहाँ, हमें हमारे ड्राइवर ने एक रेस्टोरेंट में उतार दिया हमें, और हम अंदर आ गए हैं, बस यहाँ से खाना खाएंगे। और बारिश में तो अब हम घूम फिर ही नहीं सकते। मुझे क्रेज था काजबेगी देखने का, लेकिन आज आए हैं तो आज मौसम जो है ना, मौसम ने बस कमाल ही कर दिया। सारे रास्ते अच्छा ही मौसम रहा है, लेकिन जैसे ही गवदौरी शुरू हुआ है बारिश शुरू हो गई है, लेकिन तेज से तेज ही बारिश होती गई है, कम नहीं हुई। काजबेगी जो है ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के पास ही लगता है, इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी इंतहा की सर्दी है। और बारिश में ना मेरे कपड़े भी भीग गए हैं, और मुझे इतनी ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा। और अच्छा खासा दूर है ये तबलीसी से, मैं समझ रही थी 3-3.25 घंटे की है ड्राइव, लेकिन ज़्यादा की है। बीच में हम रुक रुक के भी आए हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग गया। हम सुबह 9:30 बजे के निकले हुए हैं, 3:30 बज गए इस वक्त। बारिश रुक गई है और देखे मंजर एकदम बदल गया। ये अभी हम उसी होटल में ही हैं, मेन्यू हमने उसका देखा, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी हलाल नहीं मिला। और भूख भी हमें इतनी लगी हुई है, हम सुबह 9:30 बजे से निकले हुए घर से, नाश्ता करके निकले थे, और बस ऐसे ही बिस्किट वगैरह जूस ऐसे ही हम खा पी रहे हैं। खाना अभी तक नहीं हमने खाया दोपहर का। बस मुझे तो ये है कि चलें, बारिश रुक गई है, आप कुछ घूम फिर लेंगे काजबेगी में। हमने ये रेस्टोरेंट भी चेक किया है, लेकिन यहाँ भी हलाल नहीं है कुछ भी। ये देखें सारे ऊपर पहाड़ों पे स्नो है। इतनी भूख लग गई है, इतनी भूख लग गई है, हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। मैं कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या खाऊं, तो मैं ये चंकी खा रही हूँ, किट कैट आ जाए जिस जिसने खानी है। माय फेवरेट चॉकलेट।
अब हम गवदोरी से वापस जा रहे हैं घर की तरफ तबलीसी। खाना हमने खा लिया, इंडियन रेस्टोरेंट ही हमें मिला, इंडियन रेस्टोरेंट वहीं से हमने खा लिया खाना। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।